हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो बीएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन एंड कंटूर के बारे में। सो अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आपको पढ़ना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इनका यूज करते हुए आगे बहुत सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो डोमेन एंड कंटूर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा यहाँ पे, और ये जस्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरा उन सब के वीडियोस बना रखे हैं और वो आपको वन बाय वन मिलते जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन के बारे में, और सबसे पहले देखते हैं डोमेन्स, फिर देखेंगे कंटूर एंड कनेक्टेड एंड सिंपली मल्टीप्लाई डोमेन्स, जितने टाइप्स के डोमेन होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले डोमेन रीजन, डोमेन या रीजन, या फिर आप इसको कनेक्टेड रीजन भी कह सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टेड रीजन के बारे में ही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सेट, लाइक अ सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट का कोई सेट है, अ सेट ऑफ पॉइंट इन आर्गन प्लेन, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। आर्गन प्लेन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एक होता है रियल प्लेन जो होता है जिसमें एक्स और वाई होता है, उसमें एक्स और वाई जो होता है एक रियल होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। इट्स सेड टू बी कनेक्टेड सेट, ये जो होता है वो कनेक्टेड सेट कहलाता है, ठीक है। इफ एनी टू ऑफ पॉइंट्स, एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट्स कैन बी जॉइन बाय कंटिन्यूअस, ओके, इसकी कंडीशन बता रहा है कंटिन्यूअस, एंड ऑल दोज पॉइंट्स बिलोंग टू द एस, दैट इज नोन एज द डोमेन और रीजन। अब देखो मैं समझाना चाहूंगा इस डेफिनेशन को आपको। मैं कहता हूं सीधा सा, मैंने एक रीजन लिया है और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन से। ये जो डोमेन हमने बनाया है, ये बनाया हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन कह दो या आर्गन कह दो, आर्गन रीजन कह दो, आर्गन प्लेन कह दो, उससे हमने ये सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पे हमने जितने भी ये पॉइंट्स लिए हैं, इन सारे पॉइंट्स में से कोई दो पॉइंट को अगर मैं उठाता हूं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हम इनमें से ले लेते हैं, तो कोई भी दो पॉइंट लेने पर, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये लिया है और एक पॉइंट यहां ले रहे हैं, तो इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक तो कंटिन्यूस कर्व बनना चाहिए, दूसरा इससे जो पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जेड वन पॉइंट ले लेता हूं, ये जेड टू पॉइंट ले लेता हूं, इससे जितने भी पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो इस एस सेट के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन बाहर से आके इसके अंदर जाए, तो इस कंटिन्यूस कर्व के बाहर के पॉइंट, पॉइंट्स बाहर चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो ये क्या कहला जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, और उसको अपन क्या कहेंगे, डोमेन या रीजन कहेंगे। कनेक्टेड हो जाएगा एक दूसरे से, एक दूसरे कनेक्ट करने वाला जो कर्व है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, और उसके सारे पॉइंट्स जो है वो एस से बिलोंग कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये है डोमेन। नाउ बात करते हैं कंटूर के बारे में। कंटूर का इंटीग्रेशन भी है, हम कंटूर का इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। कंटूर एक्चुअल में होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। कंटूर कुछ नहीं है, अगर हम कुछ आर्क लेते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व लेता हूं, और उन कर्व के इस टाइप से मान लीजिए ऐसे मैंने लिया, और उससे चेन बन रही है, ठीक है। अब ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्क लिए, अब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स पे, अगर मैं इसको कहूँ ये जेड वन है, दिस इज जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, ओके, जेड सिक्स, जेड सेवन एंड जेड एट। अब एक तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये खुद को कट नहीं कर रहा है। तो कंटूर की सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बाय कंटूर वी मींस दैट, वी कैन मींस दैट द कंटिन्यूअस चेन, हम कंटिन्यूअस चेन के बारे में इसका आइडिया लगा सकते हैं, एंड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स। कैसा है ये, फाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर, जैसे आठ, इसमें कितने हो गए, सात रेगुलर कर्व हो गए, ठीक है, रेगुलर आर्क हो गए, आर्क मतलब एक कर्व का छोटा सा पार्ट, ठीक है। सो इफ कंटूर इज क्लोज्ड एंड डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अगर कंटूर जो है वो दो कंडीशन फॉलो करता है, तो क्लोज्ड होता है, और अभी तो ये ओपन कंटूर बनाया हमने, अभी हमने क्या बनाया, ओपन कंटूर बनाया। दूसरा आप क्लोज्ड कंटूर की बात करें, जो कि एक दूसरे को खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, एंड वो क्लोज्ड होता है, दैट इज नोन एज द क्लोज्ड कंटूर। इसके लिए डेफिनेशन अगर हम देखें, तो सीधा सा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल वगैरह कुछ भी बना लो, ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ऐसे चल रहा है, मान लो ये इस टाइप से चल रहा है यहाँ पे, तो ये जेड वन पॉइंट हो जाएगा, ये जेड टू पॉइंट हो जाएगा, जेड थ्री पॉइंट हो जाएगा, ये खुद को कट नहीं, मान लो ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से चलते चलते ये खुद को कट नहीं कर रहा है, बट जहां पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां आके वो मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ये वाला कंटिन्यूस हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा।
तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्लोज्ड कंटूर कहेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस टाइप से देखते हैं, ये ऐसे मैंने आर के लिए बहुत सारे, अब हमने इसको ज्वाइन किया है तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंटूर हो जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर भी ले सकते हैं, मान लो हमने स्क्वायर ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे इस टाइप का स्क्वायर ले लिया, ये इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। अब इसके जो कंटूर में जो डायरेक्शन है, मान लो वो इस टाइप से है, ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेशन होगा ना, तो लाइन इंटीग्रेशन टाइप होगा। हम यहाँ पे दो टाइप से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे स्ट्रिप लेके कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन होता है। मान लो ये Z1 पॉइंट है, दिस इज Z2, Z3, Z4, तो पहले इंटीग्रेशन इस लाइन के अलोंग हो जाएगा, फिर इस लाइन के अलोंग होगा, एंड देन इस लाइन के अलोंग और फिर इस लाइन के अलोंग, तो पूरा क्या निकल जाएगा, उस कर्व का आपको रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के बारे में। तो सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सो अ डोमेन इन विच एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ रीजन इज नोन एज द सिंपली कनेक्टेड रीजन, एंड इफ द रीजन नॉट सिंपली कनेक्टेड रीजन दैट इज नोन एज द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब इसको समझने के लिए सीधा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैं कर्व ले लेता, मान लो मैंने एक ये वाला कर्व लिया। अब इस कर्व पे अब सीधा सा ऐसा समझो कि मैंने एक धागा लिया है, ठीक है, एक धागा लिया, उसको मैंने ऐसा रखा जमीन पर, उसके एक एंड से दूसरे एंड को बांध के उसको रख दिया, रेंडमली रख दिया, वो इस टाइप से पड़ा है जमीन पर। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके साइड में से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, समझने के लाइक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से इसको समझ सकते हैं अपन। अब हम यहाँ पे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब ये क्लोज्ड है, मतलब ये अपना क्या है, ये सी हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डोमेन कहेंगे, उसका रीजन कहेंगे, ठीक है, वो इस टाइप से पड़ा है। अब जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो यार ये इस टाइप से, मान लो ये इस टाइप से अंदर जाके श्रंक हुआ, थोड़ा और अंदर जाएगा, एट लास्ट वो क्या होगा, एक पॉइंट जाके बन जाएगा, एट लास्ट वो पूरा एक पॉइंट जाके बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हमने चारों तरफ से इस टाइप से क्या लगाया, इसमें पॉइंट, इस पे फोर्स लगाया, उसको इकट्ठा कर दिया और वो एट लास्ट एक पॉइंट पे जाके बन गया, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके वो मतलब वहां पे बन गया विदाउट एनी कट ऑफ रीजन। इसमें किसी भी, अब ये इस रीजन में जब श्रंक हो रहा है यहां से यहां तक, तो इसमें वो किसी भी दूसरे रीजन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर और कोई रीजन है ही नहीं, वो उसका खुद का रीजन है। तो क्या कह रहा है, वो एक पॉइंट की तरफ श्रंक होता जा रहा है, एक पॉइंट की तरफ श्रंक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक पॉइंट की तरफ वो जाके लाइक इकट्ठा हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के बारे में, अब मैंने धागा लिया है, उसको ऐसे रख दिया, ठीक है, अब उसके अंदर मैंने कुछ और रख दिया, दो चार चीजें और रख दी, माना उसके अंदर मैंने ट्राइंगल रख दिया, एक मैंने सर्कल रख दिया, कुछ और इस टाइप के रीजन मैंने यहाँ रख दिए। अब जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगा लो, मान लो मतलब हम उसको इकट्ठा करें, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। अब अगर ये श्रंक होगा तो इट कांट गो लाइक इट कांट गो टू अ श्रंक टू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पे श्रंक नहीं हो पाएगा। अब मान लो ये एक पॉइंट है, इस पे श्रंक नहीं हो पाएगा, इस पे श्रंक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये रीजन, मान लो ये इस टाइप से आएगा ना, तो यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अटक जाएगा, फिर यहाँ पे अटक जाएगा, और ये होते होते मान लो ये ऐसे आया, अब इतना श्रंक हो गया, लेकिन बीच में कुछ रीजन और जो है ना उनको डिस्टर्ब कर रहा है, मान लो ये C1 रीजन, ये C रीजन हो गया, ये C2 रीजन हो गया, ये C3 रीजन, इनको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ये उनको एक पॉइंट की तरफ श्रंक होने के लिए नहीं जाने देंगे, तो इसको कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को अपन सिंपली कनेक्टेड रीजन में कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए एक मेथड होता है, दैट इज नोन एज द क्रॉस कट मेथड, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो क्रॉस कट मेथड ये कहता है कि टू मेक सिंपली कनेक्टेड डोमेन, आपको क्या करना है, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाने के लिए फ्रॉम मल्टीपली कनेक्टेड, किससे बनाना है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन से आपको सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक सीधा से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम इसको करेंगे। मान लो ये एक मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने इसके अंदर ये ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे कुछ और टाइप का शेप हम यहाँ बना सकते हैं, और एक मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। अब जब ऐसा होता तो कैसे बनाता है उसको समझिए, द स्ट्रेट लाइन which does not intersect any curve and multiply connected region and convert into the simply connected region या domain. By this line we can convert the simply connected domain to multiply connected domain to simply connected domain. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले को हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं। मान लो ये वाला जो डोमेन है वो इस टाइप से चल रहा है, इसके डायरेक्शन ये है। अब क्या हो रहा है कि जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां से हम इसको कट कर देते हैं, यहां से ये कट हो जाएगा और जस्ट लाइक यहां से भी कट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अब ये कर्व अंदर की तरफ एंटर करेगा, फिर अंदर से घूम के आते हुए ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये इसका पाथ बन गया, ठीक है, उस कर्व के अंदर से हमने उसको पाथ बना लिया।
सिमिलरली अगर हम बात करें यहां से यहां तक भी मैं लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, दो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देता हूं। अब यहां से हमने इसको कट किया है, जब हमने यहां से कट किया तो अगेन क्या बना दिया उसने, उस कर्व के थ्रू अपना पाथ बना लिया। तो ये उस कर्व के थ्रू अपना पाथ बन गया और वो इस टाइप से बाहर आ गया। सिमिलरली हम इसके साथ भी कर देंगे यहाँ पे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा यार, यहां से ये पाथ बन जाएगा, ठीक है, यहां से ये इस टाइप से पाथ बन जाएगा, ये इस टाइप से, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये अंदर चला जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा सिस्टम हो गया। अब अगर आप मान लो एक धागे को लिया, कट किया, उसके अंदर अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनको उनसे जोड़ दिया, या उनके लाइक जो भी मान लो अंदर कुछ और धागे से मैंने भी कुछ अपने डायग्राम्स वगैरह मतलब कुछ लाइक उस टाइप की अंदर रखा है, तो अब उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया, तो अगेन अगर हम देखेंगे इसको पूरा ओपन करके तो ये इस टाइप का बन गया, एक पूरा बन गया ना। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे, तो ये पूरा बन गया। नाउ इट कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट, अब ये एक पॉइंट की तरफ श्रंक हो सकता है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये एक पॉइंट की तरफ टेंड करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हम मल्टीपली कनेक्टेड रीजन से सिंपली कनेक्टेड रीजन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दिस मेथड टू लाइक कन्वर्ट मल्टीपली कनेक्टेड रीजन टू सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Bye-bye.